इस क्वेश्चन में क्लोरोबेंजीन का जो डाइपोल मोमेंट है वो दे रखा है म्यू, और अपने को इन चार कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट निकालना है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट कितना दे रखा है एक्स। ठीक है, अब अपने को इन चारों कंपाउंड का कैलकुलेट करना है। चलिए, अब यदि फर्स्ट वाले कंपाउंड में देखें तो इसमें दो सीएल लगे हुए। चलिए, इन सीएल को यदि अपन पीछे लाते हैं ये लाइन, तो इन दोनों सीएल के बीच में जो बॉन्ड है, यदि यहां पर अपन एंगल लेंगे तो एंगल आ रहा है यहां पर 180 डिग्री का, और डायरेक्शन की यदि बात करें तो कार्बन से क्लोरीन की तरफ होगी। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो कार्बन से किधर होगी? क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से ज्यादा होती है। और यहां पर भी ऊपर, अब देखिए इसके कारण भी x होगा और इसके कारण भी x होगा, पर डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए जो म्यू है वो कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड के लिए आएगा म्यू इक्वल टू जीरो। चलिए सेकंड वाले कंपाउंड को देखते हैं, इसको पीछे ले आओ, तो ये दोनों सीएल तो 180 के एंगल पर है और डायरेक्शन क्या होगी? कार्बन से क्लोरीन की तरफ, और एक सीएल ये इधर लगा हुआ है। अब ये दोनों सीएल तो अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए, तो ये दोनों सीएल एक दूसरे का आपस में कैंसिल कर देंगे। अब बच रहा एक सीएल, और एक सीएल के कारण कितना है? एक्स। तो इस वाले कंपाउंड का आ जाएगा म्यू इक्वल टू एक्स। चलिए इस कंपाउंड में देखते हैं, यदि हम इस सीएल को पीछे लेके जाते हैं तो इन दोनों सीएल के बीच में यदि बॉन्डिंग एंगल की बात करें तो यहां पे आएगा 120 डिग्री का, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहेगी कार्बन से क्लोरीन की तरफ, कार्बन से क्लोरीन की तरफ, कार्बन से क्लोरीन की तरफ। अब यहां पे ये जो दोनों सीएल है, एक सीएल के कारण कितना होगा? एक्स। इस वाले सीएल के कारण एक्स, और ये दोनों जो सीएल है दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री का। तो जब एंगल 120 डिग्री का बनता है तो जो नेट डायपोल मोमेंट है वो एक एक्स के बराबर होगा, तो इसके कारण कितना होगा? x। और इन दोनों सीएल के कारण भी कितना होगा? x। तो जो नेट डायपोल मोमेंट है वो आएगा म्यू इक्वल टू 2x, क्योंकि इन दोनों कोण के कारण जो x आएगा और इसके कारण x, दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, इसीलिए x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x। अब यहां पे देखते हैं, तो इस सीएल को पीछे ले जाओ और इस वाले सीएल को भी पीछे ले जाओ। इस वाले सीएल के पास डायरेक्शन होगी कार्बन से क्लोरीन की तरफ ऊपर, और यहां पर भी कार्बन से क्लोरीन की तरफ, और यहां पर भी कार्बन से क्लोरीन की तरफ। अब देखो यदि अपन इन दोनों सीएल में देखें तो बॉन्ड एंगल यहां पर बन रहा है 120 डिग्री का, और 120 डिग्री के एंगल पर जो डायपोल मोमेंट है वो एक के बराबर होगा भाई, इसके कारण x, इसके कारण x, तो जो नेट डायपोल मोमेंट है वो भी कितना आएगा? x, और इसके कारण भी x होगा, इसके कारण भी x होगा। चलिए, तो इस वाले सीएल के कारण x और इन दोनों सीएल के कारण भी x। और यहां पे देखो ये जो 2x है नीचे जा रहा है
और एक ऊपर जा रहा है तो अपोजिट हो जाएगा, तो इसको एक को माइनस कर दूं, तो ये म्यू इक्वल टू यहां पर भी क्या आएगा एक्स। अब एक बात ध्यान रखना, म्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है, म्यू इक्वल टू होता है म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू और कॉस थीटा, और इस सारे का होता है अंडर रूट। इस फॉर्मूले का जब तुम इस टाइप के कंपाउंड में यूज करोगे तो यहां पर क्या होता है, जो मैक्सिमम म्यू है, मैक्सिमम म्यू वाले केस में क्या होता है, जो थीटा होता है, थीटा का मान होता है जीरो। यदि कोई भी दो सीएल, जैसे यहां पर देखो ये दो सीएल लगे हो गए, अब मैक्सिमम कब आएगा, जब दोनों सीएल जीरो डिग्री के एंगल पे होंगे, ठीक है। और यदि मिनिमम की बात करें तो मिनिमम म्यू आएगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के एंगल पर आएगा मिनिमम। अब यहां पे देखो दोनों जो सीएल है वो 180 डिग्री के एंगल पे है, तो इस वाले कंपाउंड का म्यू कितना आ रहा है, जीरो। भाई मिनिमम हुआ ना,